मेरे स्कूल का वो पहला दिन जब मम्मी का हाथ बहुत कस के पकड़ा था। पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मम्मी पापा। बचाओ, कोई तो हेल्प करो। हमें लग रहा है कि यहाँ पर आज बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से जब से तुमसे मिला हूँ ना, तुम्हारे अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा। पता ही नहीं चला कब मैं तुम्हें इतना पसंद करने लगा कि ओ हेलो, ना ही हमारी सोच इतनी छोटी है, ना ही औकात कि तुम हमारे बारे में सोचो। वैसे भी निकम्मे लोगों को ना अपने औकात में रह के ही सपने देखने चाहिए। ये लेटर किसने दिया है? आइए पंडित जी, जो सामग्री आपने लिखवाई थी सब रखवा दी है। किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताइए। वेलकम ड्रिंक्स रेडी है? हाँ सर, रेडी है। देखो बरातियों को खाने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। नहीं, कोई कमी। अरे सुनो, वो एंट्रेंस पे लाइट लगाने के लिए बोला था, लग गई? लग गई। अरे ठीक है सर, वो पेमेंट करवा देते तो अच्छा रहता। हाँ थैंक यू। डियर मम्मी एंड पापा। यशव जी, एक मिनट इधर आइए। जी ये देखिए, है तो हमारी बेटी ही ना। सिर्फ हमने ही उसे चिट्ठी नहीं भेजी है, उसने भी हमें चिट्ठी भेजी है। प्रिय मम्मी पापा, मुबारक हो, बेटी हुई है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिमाग में, आत्मा में छप से जाते हैं। आज से ठीक 22 साल पहले तुम्हारे आने की खबर हमारे लिए वैसा ही एक पल था, जब गोद में उठाते ही तुम अपनी गोल गोल आंखों से पहले हमें देखी और फिर हंस पड़ी। आंखें बंद करें तो आज भी तुम्हारी वो हंसी हम सुन सकते हैं। बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो एक नया जन हमारा भी हुआ था। तुमने हमें माँ बाप का दर्जा दिलाया और हमारे आंगन में एक नन्ही परी आ गई। एक नन्ही परी की तरह आपने मुझे पाला। याद है मुझे स्कूल का वो पहला दिन जब मम्मी का हाथ बहुत कस के पकड़ा था। बिना कुछ कहे समझ जाना माओ की खासियत होती है। समझ गई थी कि उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कस कर मुझे गले लगाया और कहा कि वो हमेशा मेरे साथ है और जब मैं क्लास से बाहर आऊंगी मम्मी वहीं मिलेगी। स्कूल की छुट्टी होने तक उस दिन मम्मी वहीं खड़ी रही। आपकी उस एक दिन की हिम्मत ने मेरा स्कूल जाना आसान कर दिया। बचपन से लेकर आज तक सब कुछ आसान किया है तुमने हमारे लिए। जब भी बाहर जाते तुमने हमेशा अपना मन मारा, अपनी पसंद की चीजें लेने से मना किया ताकि हम कीर्ति के पसंद की चीजें ले सके। इतनी कम उम्र में तुम इतने समझदार कैसे थे कि जानती थी कि पापा का बजट कम है। अपनों के लिए आपने कितनी तकलीफ उठाई है पापा। टैक्सी छोड़ के बस में ट्रेवल किया ताकि हम आराम से रिक्शा से स्कूल जा सकें। ओवर टाइम किया ताकि हम स्कूल की पिकनिक में जा सकें, हमारे दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी कर सके। हमारी खुशी के लिए पापा ने जहां अपना आराम छोड़ा, मम्मी ने छोटे से बजट में कितने अच्छे से घर संभाला। आज तक हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अच्छे पल और खुशियां।
खुशियों के रास्ते में आपने कभी कोई रुकावट नहीं आने दी जो आपके लिए इतना करे। उन्हें थैंक यू बोल के उनके त्याग को छोटा नहीं कर सकती। बस प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान हर जन्म में मुझे आपकी ही बेटी बनाए। भगवान हर जन्म में हमें इतना ही खुशनसीब बनाए, हर जन्म में बेटी के रूप में श्रद्धाएं दे। हमें पूरा विश्वास है जिस तरह तुमने इस घर को खुशियों से भर दिया, इस घर को स्वर्ग बना दिया, उसी तरह से अपने ससुराल को भी खुशियों से भर दोगी। और प्रॉमिस मम्मी पापा, मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। हमेशा कोशिश करूंगी कि आपके दिए संस्कारों से अपने ससुराल में सबका दिल जीत सकूं। पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मम्मी पापा। आपकी लाड की श्रद्धा हमारी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई पता नहीं चला। इसे देखकर ना सर गर्व से ऊंचा हो जाता है मेरा। बारात पहुंचने वाली है, स्वागत की तैयारी कर लीजिए। आप ये हमें दीजिए। क्यों रो रहे हैं आप? सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कहां आसान होता है अपना घर छोड़ना, है ना श्रद्धा? मैं कीर्ति को फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ पहुंची है। बारात आ गई है, मैं देखता हूँ। हाँ। मम्मी का फोन है, आप रोना मन करिए। हेलो मम्मी। हेलो कीर्ति। बेटा कितना टाइम लगेगा? बारात आ गई है। आधा घंटा तो और जाएगा। अरे तुम एक काम करो, अब लड़के वाले आने वाले हैं, तुम वापिस आ जाओ। कुछ रस्में ऐसी हैं बेटा जिसमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। अब ठीक है, हम आ जाते। दीदी थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना। अरे कोई जल्दी नहीं, आधा घंटा है हमारे पास। ये दुल्हन के कामों में ना इतनी जल्दी नहीं मचाते। आप अच्छे से रेडी हो जाइए, वैसे भी वेन्यू पे कमाल धमाल की एंट्री करवानी है आपकी। सुन, तुझे वापस जाना है ना? अरे हाँ हमें जाना है, पर हम जाए कैसे? अब दुल्हन ना सही, दुल्हन की बहन है, इतना तैयार हो के हम ऑटो में कैसे जाएंगे? क्या करें? हाँ, हम गाड़ी लेके जाते हैं। मम्मी को कहेंगे आप लोग के लिए दूसरी गाड़ी भेज दे, चलेगा? आप फटाक से रेडी हो जाइए दीदी, अच्छे से तैयार करना टाइम लेकर। बाय दोस्त। नमस्ते। खुश रहो। अरे बस बस आओ बेटा। चलो बेटा। तनु भाभी आपसे एक बात कहे। हाँ बोलिए ना। आज नैना भाभी का चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हमारा मतलब है कि इससे पहले हमने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। सही बोल रही हूँ। अब किसी सास को श्रद्धा जैसी बहू मिल जाए तो उसके चेहरे पे तो निखार आएगी। बहुत किस्मत वाली है नैना भाभी। वो तो है। कीर्ति नहीं दिख रही कहीं, अभी तक आई नहीं है क्या? हाँ वो मेकअप पोतने में टाइम तो लगता है ना। वैसे देखते हैं आज की बाजी कौन जीतता है, कीर्ति या सोना। अगर बाजी खूबसूरती की मारने की हो तो वो तो ऑलरेडी तुम्हारी बुआ जीत चुकी है। हमारा मतलब है कि हमसे ज्यादा खूबसूरत और कौन है? कैसी बात कर रहे हो बुआ जी आप? आपसे खूबसूरत कोई लग सकता है क्या? और किसमें इतनी हिम्मत है कि आपसे मुकाबला कर सके? वो भी ठीक है,
जैसे आज हमारी नजर ना उन दोनों बहनों पर है कि सबसे ज्यादा सच संवरकर कौन आती है। फिर तो बाजी हमारी हीरोइन कीर्ति मार लेगी क्योंकि उसे तो सजने संवरने का इतना शौक है और उसके अलावा वो करती भी क्या है। जी नहीं, तो एक बार श्रद्धा भाभी को आने दे, उनका लहंगा ना सबसे हैवी होने वाला, उनका मेकअप एकदम झकास। अच्छा ऐसी बात है, तो चल लगी शर्ट 5-5 की, हम देखते हैं। लग तो बहुत खूबसूरत रही है। वो एक बार श्रद्धा भाभी को तो आने दो, फिर देखना सबको कैसे आउट कर। पर कहाँ है आपकी श्रद्धा भाभी? दुल्हनिया आज मजा आएगा। रुक गई, चल बैठ 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 चल बैठ। दीदू और डॉली दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कीर्ति, श्रद्धा पार्लर से निकले के नहीं? मम्मी दीदू और डॉली दीदी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मेरे पापा तू दोबारा फोन लगा लगा। आप परेशान मत होइए, हम ट्राई कर रहे हैं। लगा? यशवी जी क्या बात है, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक है ना? शायद श्रद्धा भी अभी तक नहीं आई है। प्लीज मुझे जाने दिया, आज मेरी शादी है। शादी है ना तेरी? मंडप में जिन्ना जाएगी है, तेरी लाश भेजू। निकल, चल पूरे घर निकल, फटाफट निकल 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 ले निकल। आप, अरे आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे गलत जवाब देने पर आप 1 करोड़ रुपए हार जाएंगी। सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी हो गई?
अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बता सकती हैं? नहीं नहीं, वो हम यही पता कर रहे थे कि श्रद्धा पार्लर से निकली या नहीं। आंटी जी। हाँ? सॉरी बुआ जी। आपको लेटेस्ट खबर मिल गई ना, तो जाइए ना पीछे बैठ के आराम से ठंडा निपटाइए। रितु को भी ना चैन नहीं है, फिर करेगी कोई गड़बड़। रितु? हाँ जी भाभी। यहाँ आइए ना। आई भाभी। बुआ जी जाइए। हाँ जा रही हूँ। फोन लगाती रह कीर्ति, कभी तो उठाएगी। ये डॉली भी ना पता नहीं कब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी परेशान मत होइए, आ जाएंगी। लगा बेल जा रही है। जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, पता तो हमें करना पड़ेगा कि नैना भाभी की गुणवंती बहू है कहां पर। चल रितु काम पर लग जा। चुप रे इसको, चुप करो उसको यार। ए रुक जा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, रुक जा। दुल्हनिया ने गोली मार दूंगा, रुक गया रुक गया। अरे ये सब क्या चल रहा है, कब तक हमें अंधेरे में रखेंगे? ना लाइट आ रही है ना दुल्हन आ रही है। शुक्र है कम से कम लाइट तो आई। अब माफ कीजिएगा बहन जी, आपको तकलीफ हुई। पावर कट तो होते रहते हैं, आपको पता ही है। जनरेटर ऑन करा दिया है, अब लाइट नहीं जाएगी। आप लोग सब कंफर्टेबल रहिए। नैना भाभी, अगर हम कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे कि रितु हमेशा बोलती रहती है, पर भाभी हमारी बात का यकीन कीजिए, हमें लग रहा है कि यहाँ पर आज बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मतलब ये कि मुहूर्त का समय हो चुका है और श्रद्धा अभी तक नहीं आई। भाभी आप तो हर काम मुहूर्त पर करती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि वरुण और श्रद्धा की शादी शुभ मुहूर्त पर होनी चाहिए। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी तो कौन सी जगह पर तैयार होने गई है जो आने में इतना वक्त लग रहा है। और आप जरा वहां ध्यान से देखिए उन लोगों को, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। आप तो बिल्कुल सही कह रही है रितु। क्या हुआ? श्रद्धा पता नहीं कहाँ रह गई, इसे भी पूछने लगेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? पापा डॉली दीदी और दीदू का फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ रह गई। ये बुआ जी सीआईडी बनके तरह तरह के सवाल पूछ रही है। हमारा मन तो सुबह से बहुत घबरा रहा है कहीं कुछ। यशवी जी आप शांत रहिए, हम ड्राइवर से बात करते हैं। ये ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा है, ये हो क्या रहा है? ये भगवान हमारी बच्चियों की रक्षा करना, पता नहीं हमारी श्रद्धा कहाँ रह गई है। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ है आपकी बेटी श्रद्धा? मतलब ये तो गजब है इत्तेफाक है, वहां कोई फोन नहीं उठा रहा, आपको पता नहीं कि आपकी बेटी कौन से पार्लर में गई है, कहीं तैयार होने के लिए लखनऊ तो नहीं चली गई? अगर वहां गई होती तब भी लौट आई होती। श्रद्धा बेटी बस आती ही होगी। आप हमें क्या तसल्ली दे रहे हैं, आपको खुद पता नहीं आपकी बेटी कहां पर है? आप जानते हैं ना कि हम मुहूर्त के कितने पक्के हैं, अब आपकी वजह से हमारे भाई भाभी परेशान हो जाएंगे। अरे बहन जी आराम से बात कीजिए, सारे मेहमान देख रहे हैं। ये तो क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? भैया
हमारा तो कलेजा फटा जा रहा है वरुण के बारे में सोच सोच कर। क्या मतलब? मतलब आप इन्हीं से पूछिए, जब इनकी बेटी पार्लर से वापस आई ही नहीं है तो ये हमसे छुपा क्यों रहे? वो भाई साहब थोड़ा सा वक्त लगा है श्रद्धा को आने में, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सक्षम जी आप निश्चिंत रहिए, हम समझते हैं, और वैसे भी आजकल जो नेटवर्क की हालत है हम सभी जानते हैं। देखिए मुहूर्त निकला जाए, मेहमान भी बार बार पूछ रहे श्रद्धा के बारे में, हम क्या जवाब दें? ताई जी जवाब क्या देना है, कानपुर के ट्रैफिक का तो सबको पता ही है, आप भी चिंता मत कीजिए आती होगी। हमारे अभय को कानपुर और बंबई के बीच का फर्क ही नहीं पता। बेटा जी कानपुर का ट्रैफिक बंबई की तरह नहीं होता कि चार पांच गली दूर आप इतने वक्त के लिए फंस जाओ। हमें तो यहाँ पे कोई और ही अलग गड़बड़ नजर आ रही है। बुआ जी से गड़बड़ नहीं, बात का बतंगड़ कहते हैं जो अभी आप बना रही है। आपको पता है ना ऑलरेडी नींदू को लेके हम लोग कितना परेशान है। सिर्फ आप लोग परेशान हो, हम लोग नहीं। और परेशान किसकी वजह से हो? अपनी बहन श्रद्धा की वजह से। बुआ जी कहाँ तो आप ये पूछती कि हमारी नींदू ठीक है ना, कोई मुसीबत में तो नहीं। पर नहीं, आप तो नई नई कहानियां बना रही है। चुप, एकदम चुप। नहीं नहीं अश्वी जी बोलने दीजिए उसे, मत रोकिए। हमें भी तो पता चले आपकी बेटियों के असली रंग। एक की जुबान नहीं रुकती और दूसरी के कदम। अरे जब शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों हमारा पैसा और वक्त बर्बाद किया? नैना भाभी आपको हमेशा लगता है कि गलती हमारी है, लेकिन हम मेहंदी के वक्त ही समझ गए थे जब श्रद्धा के हाथ में हमारे वरुण का बी नहीं बल्कि किसी अनजाने का ए लिखा हुआ था। ऋतु जी ऐसी बात ना कहें आप। क्यों ना करें हम, और कैसे मान ले कि आपकी बेटी को कोई और पसंद नहीं है? कहीं पार्लर के बहाने किसी और के साथ भाग तो नहीं गई? कब कहा क्या बोलना है थोड़ा सोच लिया करो। भैया हम तो सिर्फ वरुण के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको अब भी ये रिश्ता सही लगता है? अरे लड़की की बुआ सस कह रही कि लड़की भाग गई है। चक्कर ही चलाना था तो शादी के लिए हाँ मत कहो ना, घर वालों की बेइज्जती अलग। बेचारा वरुण। गलती चाहे लड़की की हो, अब नाम खराब तो वरुण का ही होगा ना। भाई साहब बारात वापस जाएगी लेकिन खाली नहीं। परिवार ने बहुत प्यार से सजाया था ये मंडप, ये मंडप सूना नहीं रहेगा। मैं वरुण बेटे के लिए अपनी छोटी बेटी कीर्ति का हाथ देता हूँ। अब ये विवाह संपन्न हो गया, आज से आप दोनों पति पत्नी बन गए।